दोस्तों, एडवेंचर और जंगल से यदि आपका गहरा लगाव है और आप ट्रिप की तलाश कर रहे हैं तो मयूरभंज उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है आपके लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है। यहाँ का नेशनल पार्क घने जंगलों, झरनों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एडवेंचरस ट्रिप के लिए किसी नई जगह की तलाश में हो तो मयूरभंज को आपको प्लेस टू गो लिस्ट में शामिल कर लीजिए। ये जगह एडवेंचरस के साथ ही नेचर के अलग अलग रंगों से रूबरू करवाती है। अगर कहीं आपको वन्य जीवों से लगाव है तब तो ये आपके लिए बिल्कुल मुफीद जगह है। जी हाँ, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बारीपदा में सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है इन तमाम बातों के साथ ही प्राकृतिक की शानदार खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यह पूरा नेशनल पार्क घुमाने के साथ इसके बारे में बताऊंगा भी। जैसे कि आप देख रहे हैं, रोड के दोनों साइड घना जंगल है और यहाँ पे आउटसाइडर लोग को आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये सब रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ का जो रोड है पूरा अर्दिन रोड है, कच्चा रोड है। बट यहाँ पे ये बात है कि यहाँ आपको एनिमल देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम एनिमल आते हैं। सो ये उतना ज़्यादा कोई डेंजरस एरिया नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर आना बाहर के लोगों को सख्त मना किया गया है। ये देखिए, ये मॉर्निंग का ट्रैकिंग है और ट्रैकिंग अभी स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे रास्तों से हम लोग को ट्रैकिंग के लिए जाना पड़ता है। और ये इस रिवर साइड है, अभी वाटर का फ्लो कम है क्योंकि समर का टाइम है। आफ्टर रेनी सीजन वाटर का फ्लो काफ़ी हाई हो जाता है और स्ट्रीम भी इसका काफ़ी फास्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग आए हुए हैं, फॉरेस्ट के बीच में हम लोग आए हुए हैं जो सिमलीपाल में है। और देख सकते कितना स्कैरी है ये। चारों तरफ सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, घना जंगल है। और यहाँ पे मॉर्निंग ट्रैकिंग का आनंद उठाने के लिए आए हुए थे हम लोग। बट खुशी की बात ये है कि यहाँ पे आपको एनिमल नहीं मिलेगा और सारे जो हम लोग प्रिकॉशन है वो लेके चल रहे हैं। ये ट्रैकिंग के टाइम आपको कुछ इस तरह के अजूबे और शानदार पेड़ देखने को मिलेंगे। जंगल में तो इस तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, कुछ ये पेड़ हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में भी। और आप यहाँ पे रहेंगे तो जो नेचर का फील करेंगे उसका फीलिंग मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। कितना अच्छा फीलिंग आता है यहाँ पर इस नेचर के साथ यहाँ पे रहने का। आप यहाँ फील भी कर सकते हैं या फिर आवाज़ सुन सकते हैं चिड़िया के चकचकाने की। कितना अच्छा आपको ये एहसास दिलाता है। यहाँ के खूबसूरत झरनों के चलते यह जगह और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूँ, सिमलीपाल जो है वो एक नेशनल पार्क है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। और ये मयूरभंज जिले के 2,750 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ के नदी और घने जंगल दोनों मिलकर कुछ खूबसूरत से सिनेरियो प्रदान करते हैं जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। जंगल में घूमते करते टाइम हम लोग को एक और ये खूबसूरत सा सिनेरियो मिला, मैं सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूं। देख सकते। तो दोस्तों, ये घने जंगल में दो गाँव भी है, चलिए मैं आपको दोनों गांव भी दिखाता हूँ। जो फॉरेस्ट एरिया में आए तो कुछ हमें गांव भी दिखे। ये देख सकते हैं किस टाइप के ये घर है, विलेज एरिया में बना रहता है। ये कुत्ते हैं जो बाहर के लोगों को देख के भौंकने लगते हैं। देख सकते हैं हम जो यहाँ के लोग हैं हमें किस तरीके से देख रहे हैं, जानते हैं कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं अनजान टाइप के। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पर्यटकों के लिए यहाँ आने का बेस्ट टाइम नवंबर से मई तक का है, क्योंकि मानसून के 5 महीने तो ये नेशनल पार्क बंद रहता है। और सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है इसमें बहुत सारे जानवरों को बहुत ही अच्छे तरीके से संरक्षित किया जाता है,
शायद यही खास वजह है कि यहाँ पर आदमी और जानवरों को दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होता और बड़ी खुशहाली से दोनों यहाँ पे रहते हैं। अगर आप फ्लाइट से यहाँ आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट से, जो कि यहाँ से 195 किलोमीटर दूर है, यदि रेल से या ट्रेन से आना चाहते हैं तो बालासोर रेलवे स्टेशन है जो पास में है, जो कि वह 105 किलोमीटर है। दोस्तों, यह था उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो यह आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए कुछ ऐसे ही एडवेंचरस, धार्मिक और प्राकृतिक जगहों के बारे में जानने के लिए और देखने के लिए।